कामयाब रख रहे हैं, आप इतनी मदद करें इन्हें कामयाब बनाए। और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि ये ताकत आपका एक वोट बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। और उसे हमारी बहन जी के हाथ पर तुम छोड़े हम तमाम लोग जितने भी मजलूम है, चाहे दलित हो, शोषित हो, पिछड़े हो और अल्पसंख्यक हो, ये आवाज वहां तक जानी चाहिए। और इस मंच के माध्यम से एक बात और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब आपका नेता मजबूत होता है तो आपके नेता की ताकत दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि जब वो अपने को हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया गया और इस सरकार ने हमारे कई लोगों को शहीद किया, यहाँ तक हमारे बहुत सारे निर्दोष लोगों को मध्य प्रदेश और राजस्थान की जेलों में बंद कर दिया। चुनाव हुआ, जब चुनाव हुआ उसके बाद बहन जी के सामने ये पार्टी अगर लगाई और इन्होंने फुहार लगाई कि आप हमारी सरकार बनवा दीजिए, तो जानते हो साथियों क्या हुआ? बहन जी ने कहा कि दो मई को तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तांडव मचाया था, हमारे हजारों नौजवानों को निर्दोष होकर जेल में डालने का काम किया था और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए थे। मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार को समर्थन जब दूंगी तब मेरे समाज के तमाम लोगों से मुकदमे वहां किसे दिए जाएंगे। और यही हुआ हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश में तमाम मुकदमे वहां किसे दिए। इसलिए साथियों इस ताकत को पहचानिए और अपनी ताकत और जिम्मेदारी की सुबूत दीजिए और बहुजन समाज पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को जिता करने का काम कीजिए ताकि वो लोग आपके स्वाभिमान सम्मान। आप देख रहे हैं वॉइस 85 इंडिया हरियाणा के सोहना से लाइव, और कुछ ही क्षणों में यहाँ मायावती पहुँचने वाली हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी संख्या में यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, उसके साथ साथ में यहाँ पे काफ़ी संख्या में युवाएं मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में हर तरीके के हर मुस्लिम समाज से और मतलब सभी समाज से यहाँ पे लोग पहुँचे हैं और काफ़ी हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं। अब भी पीछे ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं और हरियाणा के सोहना में इस समय हम हैं और पूरी ये जो मैदान है ताऊ देवीलाल स्टेडियम का पूरा भर चुका है, फुल मैदान भरा हुआ है। और मंच पर अभी फिलहाल प्रत्याशी जो है अपनी बात रख रहे हैं। अब ये हम एक बात करते हैं ताऊ से हरियाणा के, तो हरियाणा में इस बार क्या स्थिति है बसपा की? कम से कम हरियाणा में बीएसपी की 5 सीटें निकल रही हैं। हाँ जी, किस किस समाज के लोग समर्थन कर रहे हैं? हम पंडित समस्या क्या नाम है, सुरेंद्र वशिष्ठ ब्राह्मण भी समर्थन कर रहे हैं। हाँ जी, छत्तीस बिरादरी कर रही है। विधानसभा क्षेत्र से। तो अभी यहाँ पे क्या रुख है, कैसा? बहुत बढ़िया रुख है, बहुत जोर मतलब सत्ता की ओर मतलब कर सकता है पार्टी, इसके बगैर सरकार नहीं बनी किसी की। तो अभी यानी कितनी सीटों पर यहाँ प्रत्याशी उतारे थे? यहाँ पर जिला फरीदाबाद पलवल में 9 विधानसभा क्षेत्र और सोहना वाली काफी। और जो अन्य अन्य पार्टी के जो यहाँ प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशियों की कैसी हालत है अभी बसपा के प्रत्याशी के आने से? पिछला विधानसभा क्षेत्र से फर्स्ट पोजीशन में, आज डेट में फर्स्ट पोजीशन में बिल्कुल। कौन से प्रत्याशी हैं आपके भाई? सुरेंद्र वशिष्ठ। अच्छा, सुरेंद्र वशिष्ठ यहाँ बहन जी ने उतारा है प्रत्याशी पिछला विधानसभा क्षेत्र से। ताओ आप किस जगह से हैं? इस बार आप बताइए युवाओं का क्या रोल है? युवा मैं राठीवास से हूँ और सुरेंद्र वशिष्ठ मेरे गांव का है, ईमानदार और जुझारू नेता है। बहुत और पैन मायावती के साथ है, 36 बिरादरी को लेकर चलता है। अच्छा, मेरे गांव राठीवास का है। बहन जी जो मौजूद होंगी, बहन जी यहां पर आ चुकी हैं, उनका आप सबसे अनुरोध है कि वॉइस 85 इंडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपने राय दें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सीधे पहुंचती रहे।